हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास. माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन. गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज आप इसमें सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 ऐसे फ्रेजेस जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश यानी कि जो रोज आप बातें करते हैं ना उसमें यूज करने वाले हैं. तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने आज के ये फ्रेजेस मिस कर दिए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे. तो उसके बाद आप खुद मुझे लिख के बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपके लिए ये फ्रेजेस बहुत काम आए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा. लेट्स गेट गोइंग. गेट बैक टू मी मतलब कि लेट मी नो, मतलब कि मुझे बताइएगा. गेट बैक टू मी. कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसी बात को दोबारा से बोल सकते हैं यानी कि दोहरा सकते हैं. तो ये आप कब यूज करेंगे, आप समझ गए होंगे, जब आप किसी की बात ठीक से सुन ना पाए तो आप इस तरीके से पूछेंगे. तो ये पोलाइट वे. कुड यू रिपीट दैट प्लीज. कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर और कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज. जब भी कोई बहुत फास्ट बोल रहा हो, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, तो इसमें आप झिझकिए नहीं, डोंट हेजिटेट. अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं. क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं. व्हाट डू यू डू, इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हैं. तो आप कंफ्यूज ना हो हाउ डू यू डू से. हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं. व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं. सो व्हाट डू यू डू के रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हैं आई वर्क एट समवेयर. लाइक आई वर्क एट अ बैंक, आई वर्क एट अ यूनिवर्सिटी. या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट. ठीक है. और जब कोई हाउ डू यू डू पूछे तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू. गेट रियल, इट मीन्स बी रियलिस्टिक. ये आप तब यूज करें जब कोई कुछ ऐसी बात बोले जिसमें आपको लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि ऐसा हो नहीं सकता, तो आप बोल सकते हैं गेट रियल. नॉट इवन अ बिट मतलब कि थोड़ा सा भी नहीं. आर यू वरीड अबाउट समथिंग. नॉट इवन अ बिट, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं. हु डू यू थिंक यू आर, इसका मतलब होता है कि तुम हो कौन, तुम खुद को समझते क्या हो, या फिर तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन. सो जब भी कोई आपसे इम्पोलाइटली बात करे तो आप बोल सकते हैं हु डू यू थिंक यू आर. आई हैव नो क्ल्यू, अगर आपसे कोई कुछ पूछे और आपको भी उस बारे में नहीं पता तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो क्ल्यू. आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में. थिंक फास्ट मतलब कि जल्दी सोचो. कोई गेम होता है उसमें फटाफट आपको सोच के अपने टर्न्स चलने होते हैं, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं थिंक फास्ट. आई बेटर बी ऑफ नाउ मतलब कि अब मुझे चलना चाहिए. ये आप तब यूज करेंगे जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मुझे देर हो जाएगी कहीं के लिए. सो आई बेटर बी ऑफ नाउ. होल्ड ऑन, इसका मतलब होता है रुकना, ठहरना. होल्ड ऑन. हैंग ऑन अ मोमेंट मतलब कि एक पल के लिए रुकना. किसी को वेट करने के लिए अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं हैंग ऑन अ मोमेंट. वेट डोंट टेल मी, इसका मतलब होता है रुकना, मुझे मत बताना. मान लीजिए कोई चीज़ आप खुद से गेस करना चाह रहे हैं, कोई आपको कुछ बताने वाला है, या फिर इवन आप कोई मूवी देखने जा रहे हो और वो मूवी आपका फ्रेंड देख चुका है, आपको बताने जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं वेट डोंट टेल मी. लेट मी गेस मतलब कि मुझे अंदाजा लगाने दो. तो आप एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं वेट डोंट टेल मी, लेट मी गेस फर्स्ट. व्हाट्स द रश मतलब कि जल्दी क्या है, क्यों इतनी हड़बड़ी में है आप. What's the rush? Did you get me? That means कि क्या आपने मेरी बात समझी. Did you get me? Sorry, I didn't get you. माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात समझा नहीं. How long will it take? मतलब कि कितना समय लगेगा इस काम में. तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप किसी को डिफाइन करते हैं तो सवाल पूछा जा सकता है How long will it take? इसमें कितना समय लगेगा. How long will you take? आपको कितना समय लगेगा. आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपके साथ बैठा हुआ है, पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आपको कितना समय लगेगा, मतलब कि वापस आने में कितना समय लगेगा. पार्डन मतलब कि मैंने सुना नहीं, क्या फिर से बोलेंगे. पार्डन. आई टेक्स्ट यू मतलब कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा. तो कोई आपसे फोन नंबर मांगे या फिर कोई भी चीज मांगता है तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपको मैसेज कर दूंगा. आई टेक्स्ट यू. हियर यू आर मतलब कि ये लीजिए. अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप हियर यू आर करके बोल सकते हैं. तो इसमें आप झिझकिए नहीं, आप टेक इट की जगह बोलिए हियर यू आर.
तो क्या आप सिर्फ हियर यू आर बोल सकते हैं? जी नहीं, आप देयर यू आर भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं हियर यू गो या फिर देयर यू गो। आप ये चार चीजें यूज कर सकते हैं सिर्फ इतना बोलने के लिए। ये लीजिए, देयर यू गो। ये आप तब भी यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं तुमने कर दिखाया, देयर यू गो। नेवर माइंड, ये आप तब यूज करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, कोई बात नहीं या फिर इसे भूल जाओ। इन दोनों के सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को कोई बात बार 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 समझा रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझा नहीं। तो मान लीजिए कोई कुछ बता रहा है तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, सो दैट कि वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करे आपको। टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है कि अपना ख्याल रखना। तो जब भी आप किसी से अलविदा कहते हैं तो आप बोल सकते हैं बाय बाय, टेक केयर, यानी कि अलविदा, बाय, अपना ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब होता है फिर मिलते हैं, जब भी अगली बार मिलेंगे। कब मिलेंगे ये नहीं बताया, लेकिन यस, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब कि पूछने के लिए धन्यवाद। ये आप कब यूज कर सकते हैं? अगर किसी ने आपको बोला हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, मतलब कि मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, आप बताइए आप कैसे हैं। लुक आउट या फिर वॉच आउट, इसका मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब ध्यान से। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी आ रही है या फिर वो ऐसी जगह पैर रखने जा रहा है जिससे उसे चोट लग जाए, तो आप बोल सकते हैं लुक आउट, वॉच आउट। व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि अब क्या करना है। तो अगर आप किसी को कोई प्लान बता रहे हैं कि इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो पूछ सकता है व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि इसके बाद क्या करना है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। व्हाट डू यू से या फिर व्हाट से, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, क्या कहते हो, व्हाट से। नो पेन नो गेन, मतलब कि जब तक किसी चीज में मेहनत नहीं डालेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नो पेन नो गेन। हु नोज, मतलब कि कौन जाने। जब आपको किसी चीज का जवाब ना पता हो तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, हु नोज, कौन जाने। हु केयर्स, मतलब कि किसे परवाह है। जब आप किसी चीज के लिए बेफिक्र हो, आपको उसकी परवाह ना हो, तो आप बोल सकते हैं हु केयर्स। लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। आई'ड बी हैप्पी टू हेल्प, मतलब कि मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं और वो नहीं ले रहा है आपकी मदद किसी वजह से, तो आप कह सकते हैं आई'ड बी हैप्पी टू हेल्प। हाउ डज दैट साउंड, मतलब कि कैसा लग रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये भी एक तरीका हुआ ये पूछने का कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है इस बारे में। हाउ डज दैट साउंड, दैट साउंड्स ग्रेट या फिर दैट साउंड्स ऑसम। तो आप ऑसम और ग्रेट को अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ड से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है। मतलब जो भी प्लान आपने सजेस्ट किया उस पर आपने पूछा हाउ डज दैट साउंड, उस पर जवाब में आप बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट। दैट्स ऑल, मतलब कि बस। ये आप तब यूज करते हैं जब आप जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो पूरी तरीके से फिनिश कर लें। जैसे कि स्पीच में आप लास्ट में बोल सकते हैं दैट्स ऑल। As I am going to say, that's all for today, guys. आज के लिए बस इतना ही। Guys, एक request जरूर करूंगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। And after that, do hit the bell icon so that you will never miss any of my upcoming videos. So guys, चैनल पर बने रहने के लिए आप bell icon को press जरूर कीजिएगा।